अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने चार दामन में बॉर्डर लगाया, ऊपर की तरफ था अपना बॉर्डर है हमारा। ये देखें, शादी कमीज में जिस तरह हेम करते हैं हम इसे मोड़ते हैं, उस तरह ना तो हमने उस तरह मोड़ा इसे और ना ही हमने इसे अलग से एक फिनिशिंग दी है। ठीक है, डायरेक्ट हमने ये बॉर्डर लगाया है। ये देखें, ये नोक है, ये हमारे चाक की नोक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया बॉर्डर लगाना। आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बॉर्डर हमने किस तरह लगाया। चलिए शुरू करते हैं, चाक दामन में हमने किस तरह बॉर्डर लगाया। ये हमारी पट्टी है, ठीक है, बॉर्डर है हमारा। बॉर्डर को दोनों साइड से हम मोड़ के प्रेस करेंगे, इस साइड से भी मोड़ के प्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह मोड़ के प्रेस करेंगे। इस तरह हम पूरे बॉर्डर को प्रेस कर लेंगे। ये हमने बॉर्डर तैयार कर लिया प्रेस करके। ठीक है, अब ये देखिए चाक की हमारी सिलाई है, जहाँ तक हमारी चाक की सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे सिलाई तक। ठीक है, ये मैंने सिलाई तक इसे कट लगा लिया, इस साइड पे भी इसी तरह हम कट लगा लेंगे। अब ये बॉर्डर में आपको चाक दामन में मशीन पे लगाना बताऊंगा। अब ये देखें हमारा चाक है, इसे हम खोल लेंगे इस तरह। इसका दबाव हम दूसरी साइड पे कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे हमारा दबाव नहीं है, दबाव हमारा इस साइड पे चला गया सारा। अब ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को हम यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे। इस तरह हम इसकी नोक बना लेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। ये जो नोक है हमारी इस चाक से मिलनी चाहिए इस तरह, ये चाक की सिलाई हमारी, ये नोक जो है ना इससे इस तरह मिलनी चाहिए। इसे यहाँ पे इस तरह रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इसे। ये देखिए, मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ था। ठीक है, अब इस कपड़े को हम अंदर की साइड इस तरह कर लेंगे, इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी नोक बनाएंगे, यहाँ से इसे मोड़ लेंगे, यहाँ पे इसी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम इसी सुई को रोक लेंगे नोक पे, फिर इसे घुमा लेंगे बॉर्डर को। ये देखिए, मैंने बॉर्डर लगा लिया चाक दामन में। ठीक है, मैंने दूसरी नोक भी बना ली जिस तरह मैंने ये पहली नोक बनाई थी। ठीक है, अब ये दूसरे चाक पे हम आ गए। यहाँ पे हम इसे तकरीबन ये जो हमारा सिलाई लगी हुई है यहाँ से 2-2.5 इंच ऊपर काट लेंगे हम। बाद में हमें छोटा करना पड़ा तो हम कर लेंगे इसे छोटा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह मोड़ लेंगे। ये देखें, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम। इस तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नोक बनाई, यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि हमारा येलो धागा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके मैचिंग का धागा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसकी नोक बना लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह रखेंगे और यहाँ से इसे मोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारी नोक बन जाएगी, इसे सिलाई लगा लेंगे अब हम।
के चाक दामन में भी बॉर्डर लगा लिया, ठीक है। ये देखें यहाँ नोक पे हमें सिलाई लगानी है। एक तो हमारा बॉर्डर लगता है ऊपर जो है ना, पहले हम फिनिशिंग लगाते हैं, बाद में ऊपर रख के बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। एक तरीका हमारा वो होता है, और दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि ये जो हमें अब सिलाई लगानी पड़ेगी ऊपर, हमारी सिलाई शो होगी, ठीक है। तो इसको लगाने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन हमने इसे दूसरे तरीके से लगाया क्योंकि हमारी यहाँ पे लब की सिलाई लग गई। तो अगर हम दूसरे तरीके से लगाते जहाँ पे हमारी सिलाई नहीं लगती, ऊपर शो नहीं होती, तो यहाँ पे हमारी नोक सही नहीं बनती, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम वैसे ही पहले ही सिलाई लगा लेते हैं, बाद में हम इसे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाते हैं, पक्का हो जाते हैं, हमारे यहाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे मैंने नोक पे भी सिलाई लगा ली और इस साइड पे भी मैंने नोक पे सिलाई लगा ली। हमारे चाक दामन में ऊपर की तरफ बॉर्डर लग गया,